एलएसी पर भारत बना रहा अदृश्य सड़क, चीन की उड़ी नींद। क्या राम सेतु की तर्ज पर भारत बनाने लगा है असंभव ब्रिज। गडकरी ने पास किया बजट, 2000 सैनिक कर रहे काम। अगर धरती पर बन रही सड़क तो अदृश्य क्यों कहा जा रहा है। बीआरओ ने ऐसा कौन सा प्लान बनाया, चीनी सैनिकों को लग गई मिर्ची। बॉर्डर किनारे बसे सारे गाँव का मिल गया तोड़। जीटी रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे और पत्थर वाली सड़क आपने सुनी होगी, लेकिन अदृश्य सड़क का नाम पहली बार सुना होगा। और ये सड़क बन रही है एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां भारत चीन की सीमा है। लेकिन सवाल ये कि सड़क बनेगी तो धरती पर फिर अदृश्य नाम क्यों? क्या बनने की बात किसी को दिखेगी नहीं? तो इसका जवाब समझने के लिए आपको एलएसी पर ले चलते हैं। यह है श्योक नदी, जो लद्दाख क्षेत्र में बहती है। उइगर भाषा में इसे मृतकों की नदी कहते हैं, क्योंकि इसे पार करना लगभग नामुमकिन है। गर्मियों के दिनों में जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो इसकी धार और तेज हो जाती है। ऐसे में इस नदी पर पुल बनाना भारत के लिए बड़ी मुश्किल का काम है। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट की लिस्ट में रखा है और 3 साल से लगातार 2000 सैनिक यहां पर सड़क बनाने में जुटे हुए हैं। कभी बहते ग्लेशियर की तेज धार तो कभी बर्फ के गोले काम में बाधा बन रहे हैं। पर अदृश्य ये सड़क नहीं है, बल्कि यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो नुब्रा घाटी पड़ेगी। नुब्रा घाटी से ससोमा से काकाकोरम दर्रे के पास बीडीओ यानी कि दौलत बेग ओल्ड तक ये अदृश्य सड़क बन रही है। इस सड़क की लंबाई करीब 130 किलोमीटर होगी। ऐसे बर्फीले क्षेत्र पर सड़क बनाना बड़ी चुनौती है। अब आपको बताते हैं कि ये सड़क अदृश्य क्यों कहलाएगी। ये सड़क बनाने के बाद भी बर्फ से ढकी रहेगी। चीन को सीमा के उस पार से ये सड़क दिखाई भी नहीं देगी। पर सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अभी भी तो एलएसी पर सेना को सामान पहुंचाया जा रहा है और कभी किसी तरह की दिक्कत की कोई खबर सामने नहीं आई, तो ये भी जान लीजिए। अभी सेना को ले से दुबर को होते हुए श्योक नदी के साथ चल रहे रास्ते के जरिए मुर्गो जाना होता है। इसकी दूरी 255 किलोमीटर है। फिर मुर्गो से 10 किलोमीटर का सफर तय कर दौलत बेग ओल्डी तक पहुंच जाता है। इस रास्ते में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एलएसी के काफी करीब से गुजरती है। चीन इस पर आसानी से नजर रख सकता है और युद्ध के दौरान में चीन अगर टारगेट करे तो इससे सड़क से गुजरना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारतीय सेना ने दूसरी सड़क की डिमांड रखी है, जो एलएसी से दूर हो, सेना की चौकी तक जिसकी पहुँच हो और कभी भी किसी भी मौसम या युद्ध के समय आसानी से सेना तक हथियार, रसद, पानी सब पहुंच सके। ये अदृश्य सड़क वाला प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सासेर लासी, सासेर ब्रांगसा के बीच में 89 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। उसके बाद श्योक नदी पर बना 42 किलोमीटर लंबा पुल पार कर गपशान पहुंचेंगे और वहां से 10 किलोमीटर की दूरी तय कर सीधा दौलत बेग ओल्डी पहुंच जाया जाएगा। मतलब 225 किलोमीटर का सफर सिर्फ 132 किलोमीटर में पूरा हो जाएगा और किसी भी तरह का खतरा भी नहीं होगा। जैसे चीन भारत को अपनी तैयारियों के बारे में नहीं जाने देता, सीमा पर चुपके से गांव बसा लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लेता है, अब भारत भी वैसे ही कर रहा है। एलएसी पर अब कौन सा सामान कब पहुंच जाएगा, सेना को कौन सा आदेश कब मिल जाएगा, चीन समझ नहीं पाएगा। चीन की चाल यही होती है कि दुश्मन देश पर जितनी सख्ती से नजर रखी जाए। इसी प्लानिंग के तहत उसने जासूसी जहाज भी भिजवाया था। अब चीन के प्रधानमंत्री G20 की मीटिंग में भारत आए थे, तब भी कई तरह के सवाल उठे थे, लेकिन सरकार ये अच्छी तरह से समझती है कि किसके सामने कौन सी जानकारी साझा करनी है। आप चीनी चाल को मात देने वाले इस प्रोजेक्ट पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट कर बताइए। जो कहते हैं कि मोदी सरकार चीन को जवाब नहीं दे रही है, उन तक ये रिपोर्ट जरूर पहुंचाएं और बताएं कि सीमा पर भारत कैसे धीरे धीरे खुद को और मजबूत कर रहा है।